अस्सलाम वालेकुम क्लास वन। क्लास वन कल हम अपना उर्दू का चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि है नेक बच्चा। कल हमने इसके सफ़ा नंबर 12 की पढ़ाई की थी। आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। कल इसमें बताया जा रहा था कि शाम का वक्त था और सारे बच्चे गली में खेल रहे थे। वो सब के सब बहुत खुश थे। इतने में वहाँ एक गुड़िया गुजरी। वो अंधी थी, उसे नज़र नहीं आता था। चलते चलते उनकी पत्थर से ठोकर लगी और वो ठोकर खाकर गिर गई। बच्चों ने बुढ़िया को गिरते देखा तो उन्होंने इस बुढ़िया का खूब मजाक उड़ाया और खूब हंसे कि ओए हो, बुढ़िया गिर गई, बुढ़िया गिर गई। कल हम तक ने यहाँ तक पढ़ाई की थी, आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए। एक बच्चा ऐसा भी था जिसने बुढ़िया का मजाक ना उड़ाया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसके कपड़ों से मट्टी झाड़ी, उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, अम्मा आपको कहाँ जाना है? आइए मैं आपको घर छोड़ आऊँ। उसने बुढ़िया का हाथ थामा और उसे उसके घर पहुंचा दिया। बुढ़िया ने उस नेक बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस सारे ग्रुप में जो सारे बच्चे गली में खेल रहे थे, जो जिन बच्चों ने बुढ़िया का मजाक उड़ाया और उस पर हंसे, उनमें एक बच्चा ऐसा भी था जिसने बुढ़िया का मजाक ना उड़ाया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। लफ्ज दौड़ का मतलब है भागकर। वो भागा और उस बुढ़िया के पास पहुंचा और उसके कपड़ों से मट्टी झाड़ी। झाड़ी का लफ्ज़ झाड़ी को अंडरलाइन कर लें। झाड़ी का मतलब है पूछना या साफ करना। तो वो जैसे पहुंचा बुढ़िया के पास, वो बच्चा भाग कर, उसने फौरन उनके कपड़ों से मट्टी साफ की, उसे सहारा देकर उठाया। लफ्ज़ सहारा का मतलब है टेक देना, कुव्वत देना। उन्होंने उसको सहारा दिया, सहारा देकर उठाया और उनसे पूछा, उनसे बात की कि अम्मा आपको कहाँ जाना है, और उनसे पूछा कि आपको किस तरफ जाना है। आइए मैं आपको घर छोड़ाऊँ, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, आपको नज़र भी नहीं आता तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उसने बुढ़िया का हाथ थामा। लफ्ज़ थामा को अंडरलाइन कर लें। थामा का मतलब है पकड़ना। उन्होंने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और उसे उसके घर छोड़ा। बुढ़िया ने उस नेक बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी। लफ्ज़ नेक का मतलब है अच्छा, उम्दा, रहम दिल, शरीफ। तो जब अम्मा जी अंधी थी, अम्मा जी को नज़र नहीं आ रहा था, उस बच्चे ने बूढ़ी औरत की मदद की, अम्मा की मदद की, तो उन्होंने उसको बहुत सारी दुआएं दी और उसको छोड़कर वापस आ गए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो नेक बच्चा कौन था? क्या आप सब जानना चाहते हैं कि वो नेक बच्चा कौन था जिन्होंने बुढ़िया की मदद की, उनके कपड़ों से उनकी मट्टी झाड़ी, उनको उनके घर तक पहुंचाया? प्यारे बच्चों, वो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये वो हस्ती हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी का दिल नहीं दुखाते। तो उन सारे बच्चों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, लेकिन बाकी बच्चों की तरह इन्होंने उस बूढ़ी औरत का मजाक नहीं उड़ाया, ना ही इस पर हंसे, बल्कि फ़ौरन से भागकर इनके पास पहुँचे, इनको उठाया, इनकी मदद की, इनके कपड़े साफ़ किए। तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने इनकी मदद की। तो बच्चों, आपने इस सबक नेक बच्चा की सफ़ा नंबर 12 और सफ़ा नंबर 13 की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद हम कल इंशाल्लाह सफ़ा इसके मशकी काम की एक्सरसाइज करेंगे, मशकी काम करेंगे जो कि किताब पर है। सवालात के जवाबात हैं और बाकी मशकी काम है, तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो सब बच्चों ने इस सबक की पढ़ाई करनी है।